हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। इस बात हम इस हेयर विद अनदर व्लॉग, और जो जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। और वो लोग जो मेरे चैनल पर सबसे ज़्यादा पहले से हैं, मैं उनका थैंकफुल हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और जो नए देख रहे हैं, नए यूज़र्स के लिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो भी मुझे फॉलो और लाइक शेयर कर दें। और यहाँ पर जी, ये जो मेरा व्लॉग है ना, ये आज स्पेशल व्लॉग है। एक तो इसमें मेरा फर्स्ट मीठा है इन लॉज में, और जो दूसरा वाला जो है ना, ये स्पेशली वैलेंटाइन का है। वो जो मेरे से आप बताया नहीं जा सका, अब इन दो व्लॉग्स को मैंने इकट्ठा किया है। दो दिन को एक नाइट है और एक डे है, दोनों को मिक्स करके मैंने व्लॉग बनाया। और ये जी देखे मेरा क्यूट सा भाई। और आप ये सब कुछ देखने के बाद माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा, और अल्लाह पाक आप सबके भी नेक नसीब करे और आपको भी ढेरों खुशियाँ दे। और अल्लाह ताला जिस जिस की भी बहन की और जिस जिस भाई की भी नेक नसीब की दुआ है ना, अल्लाह उनको पूरा करे, नेक तमन्नाओं और नेक हाजतों को पूरा करे। और यहाँ पर जी ये स्पेशल गिफ्ट थे, और इससे पहले हमने की थी जी पिज़्ज़ा पार्टी, वो मैंने आपको पहले दिखा दिया। और यहाँ पर जी अल्लाह ताला आपकी भी ज़िंदगी ऐसे फूलों की तरह खूबसूरत बनाए, जैसे ये खूबसूरत से फूल हैं। और ऑल द टाइम मुझे ये फ्लावर्स बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं, और हर एक को लगते हैं, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा इसकी तरफ से होते हैं ना। मेरी भी पर्सनैलिटी ऐसी है, मुझे फ़्लावर बहुत अट्रैक्ट करते हैं। और ये हैं जी मेन गिफ्ट्स हैं दो, जो कि एक मेरा है और एक मेरे ब्रदर की तरफ से है, जो उन्होंने अपनी मिसेज के लिए लिया हुआ है। और यहाँ पर जी ये मैं अपने हस्बैंड के साथ। और आपकी ज़िंदगी अगर अच्छी गुजरी हो ना, तो आपको हर दिन वैलेंटाइन होता है। ये तो बस आपने अपनी सोसाइटी के साथ मूव ऑन करने के लिए ये चीज़ें रखी होती हैं, कि ऐसा ना हो कि कोई आपको ये कह दे कि आप तो बड़े ही पीछे हो या ये या वो। अदरवाइज़ अगर आपका लाइफ पार्टनर अच्छा है ना, तो आप अपने आप को ना लाइफ पार्टनर की तरफ लेकर जाएं, बनिस्बत इसके कि ये जो दूसरे रिश्ते होते हैं उनमें जाने से। और ये है जी केक, और अल्हम्दुलिल्लाह इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। अगर मैं आपको टेस्ट करवा सकती तो मैं आपको लाजमी टेस्ट करवाती। ये दो केक इसलिए हैं कि एक मेरी तरफ से था और एक मेरे ब्रदर की तरफ से था यहाँ पर। और उम्मीद है कि आप सबको मेरा ये वाला व्लॉग भी अच्छा लगा, और पिछले जो मेरे व्लॉग हैं वो भी सब अच्छे लगे होंगे। और काइंडली आपको एक छोटा सा लाइक और शेयर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आप उसमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय देते हैं, और उसके बाद मिलते हैं जी आपको अगले दिन के साथ। और ये जी ये कुछ ऐसा है, और वो वाला जो गिफ्ट है वो भी खोला था। और जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं ना, उनके लिए तो मैं थैंकफुल हूँ, लेकिन जिन लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी नहीं ना लगती, जो मेरे व्लॉग को पसंद नहीं करते, काइंडली उनसे हम बड़ी रिक्वेस्ट है कि वो मेरी वीडियो को स्किप कर दिया करें। आप देख भी लिया करें ना, लेकिन स्किप कर दिया करें, क्योंकि हर इंसान का काम करने का एक अपना तरीका होता है। आपको जो लोग अच्छे लगते हैं आप उनको देखें। ये है जी, यहाँ पर मुझे ऐसा करना अच्छा लग रहा था तो मैंने इसी हिसाब में ये कर रही हूँ। चलें जी, अब हम करते हैं थोड़ा सा अपने आप को सेट वेट, और फिर हम चलते हैं जी मीठा पकाने के लिए। और आई होप सो कि इंशाल्लाह अच्छा बनेगा। और यहाँ पर जी मैं करती हूँ अपनी थोड़ी बहुत सी तैयारी और दिखाती हूँ आपको। खैर मैं आपको पूरा तो नहीं दिखाऊंगी, लेकिन मैं आपको अपनी ड्रेस डिटेल्स दिखाती हूँ कैसा बना हुआ है। और यहाँ पर पहले निकालते हैं थोड़ी सी चीज़ें, एंड देन ये ड्रेस डिटेल है मेरी। और मैं आगे जाके आपको वीडियो में पूरा दिखाती हूँ, अपनी फाइनल लुक भी दिखाती हूँ। उससे पहले हम होते हैं जी थोड़ा सा रेडी, और मिलते हैं जी फाइनल लुक के साथ। ये है जी मेरी फाइनल लुक, और ऐसे। आई होप सो कि आपको मेरा ड्रेस की डिटेल्स अच्छी लगी होंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर उस चीज़ के लिए जो मैं नहीं जानती, वो नेमत है मेरे पास, लेकिन है। और यहाँ पर जी ये जो मेरा मीठा था ना, ये ऐसे है। अभी ये हाफ डन है, ये प्रॉपर डन होता है ना, तो फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल शक्ल की तरफ लेके जाऊँगी। लेकिन देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है ये ऐसे भी। और चलें जी इसको डन करते हैं और आपको दिखाते हैं। और ये हैं जी, अब आप सब ये मत समझ लेना कि ये ऐसे ही है, ये सच में ही बड़ा अच्छा बना हुआ था। बस मैं आपको टेस्ट नहीं करवा सकती, क्योंकि कैमरे की इतनी सी दूरी होती है कि बंदा टेस्ट नहीं करवा सकता। और यहाँ पर जी हम इसको करते हैं सेट, ऊपर से इसकी गार्निशिंग करते हैं, और दिखाती हूँ जी फाइनल इसको।
और आप सभी मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आगे आगे आपके साथ में बहुत अच्छे कंटेंट से मिलती रहूँगी, और मेरे आने वाले जो नेक्स्ट व्लॉग्स हैं ना, आप उनको कभी भी ना स्किप मत करना, क्योंकि वो बहुत अच्छे होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मैं इस बात को डेफिनेटली कह सकती हूँ कि वो आपको बड़ा इंजॉय कराएंगे और बड़े अच्छे बनाएंगे वो हम। और जो लोग आपकी मेहनत पे ये समझते हैं ना कि आपने तो ये कुछ भी नहीं किया, आपने बस उठा कर जी एक वीडियो पोस्ट कर दिया है, बेसिकली आप सिर्फ ये वीडियो पोस्ट नहीं कर रहे होते, इसके पीछे आपकी बड़ा मेहनत और बड़ी टाइमिंग लगी होती है एडिट करने में, इसको करने में। और ये जो लोग फिर बातें करते हैं ना, उसके बाद में इंसान थोड़ा सा बाउंस हो जाता है, लेकिन अगर आप कोई काम मेहनत और लगन से कर रहे हैं ना, तो यकीन माने कि उसके बाद में आपको कोई ना कोई रिवॉर्ड ज़रूर मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इस चीज़ में हूँ कि कोई ना कोई रिवॉर्ड मुझे भी मिलेगा। और अभी चाहे मैं छोटे यूज़र की तरफ जाती हूँ, लेकिन एक दिन मैं भी बड़े यूज़र की तरफ जाऊँगी। जो लोग आपको इस तरह मना करते हैं ना, जो पहले बड़े यूज़र बने हैं ना, वो भी इसी तरह नीचे से ऊपर गए हैं। और यहाँ पर जी ये मेरे हस्बैंड जो अपने काम को लगे हुए हैं, स्पेशली मेरा खुद का भी मानना यही है कि आप अपने काम पर फोकस करते जाएं और देखते जाएं, क्योंकि ना तो आज तक लोगों ने बातें अपनी ख़त्म की हैं और ना ही होनी है। चलें जी, मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह।